यार देखो मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तुमसे शादी करनी है ठीक है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं बता रही हूँ। गुस्सा नहीं, चलो ठीक है। तुम्हारा बहुत देर हो गया तुम लोग। क्यों हंसना सिखाया सी जे ना तू तड़फाना। दिमाग खराब हो गया मेरा। तुझे ना तुम्हारे साथ काम नहीं करना। मैं अपने घर से टाइम वेस्ट करके आती हूँ तुम लोगों के चक्कर में, ठीक है ना। मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोग ये नाटक करोगे हर नए दिन में, कभी ये कभी वो, कभी ये लाइक कर रहा कभी वो लाइक कर रहा, सीधे डायरेक्ट शादी। मतलब तुम दूसरों से ये भी नहीं पूछते कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर प्रैंक वीडियो। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है। आज मैं करने वाला हूँ तान्या के ऊपर ना फेक मैरिज प्रैंक। आज मैं उसको बोलूंगा वीडियो में कि मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ, और अभी हम चल रहे हैं कोर्ट मैरिज करने चल रहे हैं। गाड़ी वाड़ी पार्क में लगी हुई है, तो मैं उसको बोलूंगा। अभी यहाँ पे मिलने के लिए आ रही है वो। कैमरा वैमरा मैंने सारी चीज़ें छुपा दी है, माइक वगैरह। वीडियो के रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। तान्या के क्या रिएक्शन रहते हैं वीडियो में देखना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ वीडियो के अंदर। लव यू गाइस। हाय तान्या, कैसी हो तुम? ठीक हूँ फिलहाल तो। यार आज धूप भी बहुत ज्यादा हो रही है। हो तो रही है यार। और बताओ घर पे सब बढ़िया? बिल्कुल। आज बताओ। आज तो क्या बताऊँ मैं आपको, क्या 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 बात है आज, क्या बात है आज, इतनी ज्यादा प्यारी कैसे लग रही है तुम? मतलब क्या कहना चाहते, मैं आज ही प्यारी लग रही नहीं, प्यारी तो डेली लगती है, बट आज तो कुछ बात ही अलग है। इतनी दूर क्यों खड़ी हो भाई? अरे गर्मी लग रही है यार। यार भगवान जल्दी से बारिश कर दे, मेरा यार हंस रहा है। और बताओ यार तान्या, देखो आज मैं कुर्ता उर्ता पहन के आया हूँ ना। हाँ मैं भी यही देख रही हूँ भाई, जो शर्ट वगैरह आज तो कुछ अलग है। सेविंग वेविंग करवा के आज सेट सा है ना। क्यों, हाँ, किसी को प्रपोज करने आए हो क्या? हाँ प्रपोज नहीं, सीधी शादी करने आया हूँ। भाई कौन है, हमें तो नहीं बताया, हम पूछता है तो हमें तो नहीं बताते। तो अब मैं बताऊंगा, इसीलिए तो मैंने तुमको यहाँ पे पर्सनल में बुलाया है। वहाँ पे सभी कैंटीन में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए तो मैंने बात करने के लिए बुलाया। बस यही था कि यार मतलब कि मुझे ना शादी करनी है जल्दी, आज ही शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है आज। मतलब कोर्ट मैरिज घर में पता है सबको? घर में तो अभी नहीं बताया, मम्मी को नहीं बताया, लेकिन मैं जल्दी कोर्ट मैरिज करूंगा। कोर्ट मैरिज करके ना शाम को निकलूंगा पलवल को, तो बस लेके जाऊंगा तुमको। क्या? मतलब कि अपनी होने वाली वाइफ को ना लेके जाऊंगा। मैं कह रही हूँ। और बताओ तो तुम पहले। बस ठीक है, तुम बताओ। मैं तो बढ़िया ही हूँ। आज मैं सेविंग वेविंग करवा के कुर्ता उर्ता पहन के सब बढ़िया तरीके से आया हूँ। पता है प्रदीप भी वहाँ पर गाड़ी में बैठा है। अच्छा गाड़ी, आप गाड़ी से आए हो? हाँ एक्चुअली क्या है, देखो तान्या मैंने ना यार प्लान कर लिया है कि मुझे ना तुमसे कोर्ट मैरिज करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। मजाक कर रहे हो क्या? कैमरा वैमरा लगा रखा है? कोई कैमरा वैमरा नहीं लग रहा है, मैं सीरियस हूँ ठीक है। मजाक मत करो ठीक है यार, ऐसी मजाक मुझे अच्छी नहीं लगती। यार मैं तुमको पसंद करता हूँ पागल, उस दिन पेट्रोल आग लगा ली थी पता है, वो तो प्रैंक कर रहा था। लेकिन वैसे भी हर बार प्रैंक करते, मुझे ऐसा लग रहा है अब भी कुछ कर रखा है, ठीक है ना। कोई प्रैंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अरे इतनी दूर क्यों जा रही हो? अरे तुम बोल ही ऐसी बात रहे हो यार, इंसान को शौक लग जाएगा। नहीं यार मैं सच बोल रहा हूँ ठीक है। देखो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो यार, ओनली नॉर्मल फ्रेंड तो हर किसी को पसंद करता है यार, ये ऐसे थोड़ी ना कि मतलब तुम कुछ भी। अच्छा और क्या, उस टाइम में मैंने तुम्हें समझाया था यार बिना बात ही। क्या कि मतलब देखो फ्रेंडशिप अच्छी होती है, रिलेशनशिप वगैरह। आप तो तुम डायरेक्ट शादी की बात कर रहे हो, तो शादी करना भी गलत है फिर? यार गलत नहीं है, अगले से पूछो तो सही कि उसके मन में क्या है तुम्हारे लिए, वो करना चाहती है नहीं चाहती है। तुम ऐसे डायरेक्ट आके बोलोगे तो कोई कैसे वो एक्सेप्ट कर सकता? देखो मैं तुमको पसंद करता हूँ यार, पसंद तो इंसान हर किसी को करता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे तो शादी करनी है, चलो जल्दी। तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दिमाग खराब नहीं हुआ यार, चलो तुम देखो गाड़ी में वो बैठा है, मुझे कोर्ट मैरिज करनी है अभी। अभी देखो 3 बज रहे हैं ठीक है, और वहाँ पे फिर जज भी हट जाएगा। मैंने सारे हमारी टीम के ना चंद, मैं कहीं नहीं जाने वाली ठीक है, ऐसे मजाक मुझे नहीं पसंद है ठीक है। चलो चलो तुम पागल हो क्या? अरे चलो यार दिमाग खराब हो गया। हाँ तो फिर चलो ना जल्दी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो क्या हो गया फिर, शादी कर लेंगे तुम? देखो तुमको पता है मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ, देखो हमारा चैनल भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा, हम जल्दी शादी कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम मजाक कर रहे हो मुझे पता है ठीक है। मजाक नहीं कर रहा यार, चलो तुम पागल हो गए, चलो तुम पागल हो गए।
क्या हो गया फिर? ऐसा थोड़ी ना होता यार, ऐसा नहीं होता। देखो बिना बात ऐसा नहीं होता। देखो अगर मजाक है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर सीरियस लिया तो मैं अभी चली जाऊंगी। ठीक है यार, ऐसा नहीं होता, मैं घर चली जाऊंगी फिर। यार घर जाने वाली कौन सी बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि बिना किसी से विदाउट परमिशन के तुम डायरेक्ट उसको आगे बोल दोगे कोर्ट मैरिज करने चलते है, थोड़ी ना होता है ऐसा। मेरे को तो करनी है, ठीक है? मेरे को नहीं करनी है। तुम करोगी? ठीक है मैं नहीं करूंगी, वरना यार मैं कुछ खुद को कर लूंगा फिर। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया यार। देखो तुम हंस रही हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है? मुझे शादी करनी है, तुम मुझे अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। रात को मैंने अपनी मम्मी को भी तुम्हारा फोटो यार। ऐसा नहीं होता, देखो बिना बात ऐसे, मेरे को सच बताओ, मेरा इस टाइम मूड बहुत अच्छा है, मेरा मूड खराब हो जाएगा ऐसे बिना बात के। बकवास मत करो तुम। मैं बकवास कर रहा हूँ कोई? फिलहाल तो बकवास ही है ये। यार देखो मेरे को शादी करनी है तुमसे, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बिना बात है, शादी करनी है तो क्या हो गया? दुनिया में बहुत सारी लड़कियां, किसी को भी मतलब बहुत है अच्छी, मतलब जरूरी तो नहीं सिर्फ मैं ही हूँ, बहुत लड़कियां हैं बहुत अच्छी हैं। तुम मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी तरह नहीं है, ऐसा तो हर कोई बोल देगा कि तुम्हारी जैसे नहीं है, और मेरी जैसे जरूरी नहीं कि कोई और मिलेगी, मुझसे भी अच्छी मिल सकती है। छोड़ो मेरे को कहीं नहीं जाना, हाथ धो जल्दी चल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम तो यार हद हो गई, क्या जबरदस्ती वाली बात हो गई है? तो मैं जबरदस्ती करूंगा यार, तुम पर मेरे को नहीं करना है ना, मेरे को शादी करनी है, ठीक है? तुमसे शादी करनी, मेरे को नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सबको पता लगेगा ना कि तुम ऐसा कर रहे हो, तो फिर सारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? सोचने दो ना यार, जब तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तो। नहीं करनी ना। देखो प्रदीप बाहर बैठा है, जल्दी चलो। मुझे नहीं जाना, मतलब तुम सब प्लान करके आए हो है ना? हाँ मैंने प्लान कर लिया था कल रात को ही, पूरा प्लान। अगर मुझे पता होता ना यही सब होगा तो मैं यहाँ पे ये नाटक करने नहीं आती। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बाद में मुझे बहुत हर्ट फील हुआ था, ठीक है ना? ऐसा यार हर बार जरूरी है कि तुम नई 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 चीजें करते रहते हो? मेरे को शादी करनी है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है? तुम जल्दी मेरी गैल चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। यार देखो मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तुमसे शादी करनी है, ठीक है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं बता रही हूँ। गुस्सा नहीं, चलो ठीक है। मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारा बहुत देर हो गया। तुम दिमाग खराब हो गया मेरा, बहुत हो गई है यार, कभी कुछ कभी कुछ। मुझे ना तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैं अपने घर से टाइम वेस्ट करके आती हूँ तुम लोगों के चक्कर में, ठीक है ना? मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग ये नाटक करोगे हर नए दिन में, कभी ये कभी वो, कभी ये लाइक कर रहा कभी वो लाइक कर रहा, आज सीधे डायरेक्ट शादी, मतलब बिल्कुल हद पार कर रखी है तुम लोगों ने। मुझे नहीं करनी तुम लोगों से कोई काम, मतलब हद हो गई है, उल्टी सीधी हरकत है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और आज के बाद ना मेरे को फोन मत करना, मैं तुम्हारा नंबर अभी ब्लॉक कर रही हूँ। वैसे भी तुम लोगों के साथ काम कर करके ना मैं परेशान हो चुकी हूँ, अपने घर से मैं टाइम वेस्ट करके आती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम कुछ भी नाटक दिखाओगे। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और आज के बाद ना मुझे फोन मत करना, अपने टीम मेंबर्स को भी बोल देना मुझे कॉल ना करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे सुनो तो सही, अच्छा तुमसे कोई बात नहीं करनी, लास्ट टाइम तो सुन लो। नहीं आओ तो सही, क्या बोलना है? आओ तो नहीं, आओ तो सही एक बार, बताओ। एक थप्पड़ मार दिया वैसे खाली पीली। अरे यहाँ तो आ जाओ, ऐसे करो तुम थप्पड़ मारने वाला? यार वो ना मैं प्रैंक कर रहा था। पहले तो ये बताओ कैमरा कहाँ लगा, इसे तो मैं बाद में बताऊंगी। ये कैमरा मैन बन बन के घूमता है ना, इसे बाद में बताऊंगी। मतलब तुम्हें ना अभी बहुत हल्की लगी है, लगानी चाहिए थी थोड़ी तेज करके, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो। थप्पड़ पड़ गया रे महाराज, बहुत कम पड़ी है, अभी तो मैं इसको और बताऊंगी। तान्या सॉरी, आगे से मैं ऐसा प्रैंक नहीं करूंगा, एक बार हाय तो कर दो। हेलो, अभी फिलहाल मुझे हंसी नहीं आ रही, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना? इसपे सच बता रही हूँ, और आज है ना इन लोगों ने जो किया ना मैं बता नहीं सकती। सो गाइस, मेरा ना कोई मोटिव नहीं था, हाँ मैं तान्या से मैं प्रैंक कर रहा था, ठीक है? और ये प्रैंक ही था बस, ठीक है? यार मुझे नहीं पता तू इतना गुस्सा हो जाएगी, थप्पड़ थप्पड़ खाने को मिल गया खाली पीली। तुम काम ही ऐसा करोगे तो थप्पड़ तो पड़ेगी, तुम्हारी जगह कोई और होता ना उसे बताते अच्छे से। तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मिलेंगे अपने आने वाली औसम सी वीडियो में। और यार अपना प्यार दिखाओ, वीडियो को शेयर वगैरह लाइक कमेंट कर दिया करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है थप्पड़ खाने में, हल्ला हो गया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मिलेंगे अपने आने वाली औसम सी वीडियो में। बाय गाइस।